लहसुन और मिर्ची से बनने वाली ये तीखी चटपटी और मज़ेदार चटनी आप एक बार बनाएंगे तो आप इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूँ शिल्पी और आज हम मिलकर बनाएंगे बहुत ही यमी तीखी चटपटी चटनी। ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इस तीखी चटनी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को गर्म किया है। बहुत तेज़ आंच पे गर्म नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे रखना है। यहाँ पर मैं डाल दूंगी इसमें सूखी हुई लाल मिर्च। तो करीब एक कप लाल मिर्च का यूज़ किया है। अगर वजन से देखें तो ये 50 ग्राम के करीब लाल मिर्ची होगी। और हम इनको अब एकदम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि मिर्चियों में ज़रा सा भी मॉइस्चर रहे, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर रह जाएगा मिर्ची में तो हमारी जो चटनी है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर मैंने आधी मिर्चियों के बीजे निकाल दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी थी। आप चाहे तो सारे बीजे भी रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी मिर्ची जो है ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं। हम इनको एक बाउल में निकाल लेंगे और आइए अब हम बाकी का मसाला भी भूनेंगे। तो इसके लिए मैंने पैन को फिर से मीडियम हीट पर ही रखा है और हम इसमें डाल देंगे करीब आधा कप तेल। तेल को हल्का सा गर्म हो जाने देंगे। तो ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। हम आँच को बंद कर देंगे और इसमें से काफ़ी सारा तेल जो है हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसका इस्तेमाल हम चटनी को पीसते समय करेंगे। तो ये देखिए हमने काफ़ी सारा तेल निकाल लिया है। आँच को हमने फिर से मीडियम पे ही खोला है और अब हम इसमें डाल देंगे एक कप छिला हुआ लहसुन। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक इंच अदरक का टुकड़ा था ये, जिसको मैंने बस स्लिट किया है। इन दोनों को हम अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर जो हमें लहसुन है वो ब्राउन नहीं करना है, मतलब उसको डीप फ्राई टाइप का नहीं करना है। हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से जो मॉइस्चर है वो चला जाए, क्योंकि हम इस चटनी को काफ़ी दिन तक स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जब जिंजर को छीला था और उसको धोया था, उसके बाद मैंने काट के इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया था। तो यहाँ पर आप जो भी चीज़ डालें वो ड्राई रहनी चाहिए। तो ये देखें गार्लिक पे हल्का सा पिंक कलर आया है, अभी पूरी तरह नहीं भुना है। इस टाइम पर हम इसमें एक टीस्पून भर के ज़ीरा डाल देंगे। इसमें डालेंगे एक टीस्पून खड़ा धनिया या सूखा धनिया जिसको कहा जाता है, और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी इमली। तो कई लोग टमाटर का भी यूज़ करते हैं, पर मुझे लगता है कि अगर हम इमली का यूज़ करते हैं तो ये चटनी काफ़ी दिन तक स्टे करती है। तो बस हमें इसे धीमी आँच पर थोड़ा और भूनना है। तो इस टाइम पर हम इसमें नमक भी डाल देंगे। तो अभी मैं एक टेबल स्पून नमक का यूज़ कर रही हूँ। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग या एसाफेटिडा और इनको फिर से अच्छे से भूनेंगे। तो नमक डालने से क्या होगा, जो लहसुन है वो थोड़ा मॉइस्चर और रिलीज़ करेगा, मतलब थोड़ा पानी और छोड़ेगा, तो लहसुन एकदम ड्राई हो जाएगा। तो ये देखें मैंने लहसुन को ऑलमोस्ट 3 मिनट तक और भूना है। इस पर हल्का सा कलर आप देख सकते हैं। तो ये भून के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, आँच को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे हम मिर्च जो कि हमने पहले से भून के रखी थी। इनको भी मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तो इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा चटनी में। और अब हम इस मिक्सचर को बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसको कैसे पीसेंगे। इसको पीसने के लिए हम मिक्सी का जार लेंगे और मिर्ची और लहसुन को उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे तेल जो कि मैंने पहले निकाल के रखा था। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो अभी मैं करीब 3 चम्मच तेल डाल रही हूँ उसमें और अब हम इसको पीस लेंगे। तो ये देखें मैंने इसको थोड़ा सा पीस लिया है। मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। हम इसको क्या करेंगे, एक बार अच्छे से चला देंगे। तो ये काफ़ी ड्राई है अभी। तो इस टाइम पर मैं क्या करूँगी, इसमें हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे करीब 2 चम्मच, ये देखें इस तरह से, और इसको हम फिर से पीस लेंगे एक बार। तो ये देखें चटनी पिसकर बिल्कुल तैयार है। और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी हमें कैसी रखनी है, दरदरी है ये, बिल्कुल महीन पेस्ट जैसी नहीं बनती है। तो इसको आप आराम से ट्रांसफ़र करें किसी कांच के बर्तन में और इसको आप रख सकते हैं 1 महीने तक, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और किसी भी खाने के साथ बहुत ही बहुत टेस्टी लगेगी। तो ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।